सोलन में अतिक्रमण लगातार ही बढ़ता जा रहा है, जिसमें नगर परिषद लगातार अभियान चला रही है, जिसमें दुकानदारों के चालान भी काटे जा रहे हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इसके बावजूद भी सोलन में अतिक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। अतिक्रमण के कारण लगातार सोलन के बाजारों की चौड़ाई कम होती जा रही है। दुकानों का सामान अब दुकानदार सड़कों पर रखकर बेचना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि उनके साथ साथ अब फड़ी चालक भी सड़कों पर बेखौफ होकर फड़ियां लगा रहे हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दुकानदार नगर परिषद द्वारा चलाई जा रही मुहिम को ठीक भी बता रहे हैं। उनका मानना है कि शहर से अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। दुकानदारों का कहना है कि नगर परिषद सोलन शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए जो मुहिम चला रही है वह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यवाही लगातार अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्य बाजारों में हो रहे अतिक्रमण से बाजार लगातार छोटे होते जा रहे हैं, लोगों को चलने में दिक्कतें आ रही हैं। इसी वजह से लोग मुख्य बाजारों में आने से कतरा रहे हैं और व्यवसाय कम होता जा रहा है। सोलन प्रशासन की ओर से जो ये अतिक्रमण के बारे में जो ये आजकल मुहिम चली है ये बहुत सराहनीय है, लेकिन मेरा इसमें एक व्यक्तिगत ये कहना है कि कम से कम कोई अगर बेचारा गरीब आदमी है वो सफर ना हो। कुछ लोगों ने मैंने देखा है कि अपनी दुकान का सारा माल वो बाहर लगाते हैं। आप उनकी दुकान पर जाके देखो, दुकान उनके अंदर से खाली पड़ी है, सारा का सारा माल वो बाजार में डिस्प्ले कर देते हैं बाहर। एटलीस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होना चाहिए। कोई अगर मोमेंट्री सामान है आया आ गया तो उसमें भी प्रशासन को थोड़ी ढील देनी चाहिए। जो पक्का इनका जो है मतलब अतिक्रमण पक्के वाला है, जो रेगुलर है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी। ये जो सरकार द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चलाई गई है, हम इसका समर्थन करते हैं। और हमारी पहले भी सभी दुकानदार भाइयों से और सभी व्यापारियों से प्रार्थना रही, हाथ जोड़कर, कृपया अतिक्रमण ना करें, इससे हमारे को ही नुकसान है। दुकानों में कस्टमर कम आएगा, जब आपको चलने को जगह नहीं होगी तो कस्टमर अपने कन्वीनियंट के मुताबिक वहाँ जाएगा जहाँ वो कंफर्टेबली परिवार के साथ जा सके। इसी करके लोग कई बार प्रेफर करते हैं कि वो चंडीगढ़ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। मेरा इस सरकार से निवेदन है, इस जो अतिक्रमण की मुहिम है इसको सिम्बोलिक ना करें, कुछ ही क्षण के लिए या कभी 6 महीने में एक बार के लिए मत करें, इसको कंटिन्यू रखें ताकि हमारा सोलन साफ सुथरा और सुंदर बना रहे।